नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश विदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। अभिनेता सलमान खान को पड़ोसी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराना भारी पड़ सकता है। अदालत ने साफ कर दिया है कि उनके खिलाफ दिए गए सबूत है सही है, तो भाजपा के प्रति एनसीपी के नरम रुख को लेकर उद्धव ठाकरे चिंतित बताए जा रहे हैं। वहीं आज सुबह 6 बजे ईडी की टीम नागपुर के वकील सतीश उके के पार्वती नगर स्थित मकान पर पहुंची। इसी बीच गोरेगांव स्थित वनराय पुलिस ने SBI ATM वेंडिंग सेंटर को लूटने और फिर सबूत मिटाने के लिए मशीन को आग लगाने के आरोप में 3 ATM कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उधर जलगांव में विक्रेता जितेंद्र माली ने 28 मार्च को गर्मी के चलते दम तोड़ दिया है। जलगांव पिछले कुछ दिनों से उत्तरी महाराष्ट्र के सबसे गर्म जिलों में से एक रहा है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। अभिनेता सलमान खान का विवादों से काफी पुराना नाता रहा है। बीते कुछ सालों में कई तरह के विवादों में उनका नाम जुड़ा है। अब हाल ही में सलमान खान के पड़ोसी केतन कक्कड़ ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद सलमान खान ने अपने पड़ोसी के खिलाफ इमेज खराब करने के लिए मानहानि का केस कर दिया, लेकिन हो गया उल्टा। मुंबई की अदालत की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि केतन कक्कड़ के पास जो सबूत है वह सही है। सलमान खान को इस मामले में राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। बता दें कि केतन कक्कड़ NRI है और सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस के बगल में ही उनका घर है। अपने YouTube चैनल पर केतन ने सलमान खान पर निशाना साधा था। उन्होंने सलमान खान के फार्म हाउस को लेकर कई ऐसी बातें कही जिन पर यकीन कर पाना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। इस मामले में सलमान खान के वकील प्रदीप गांधी का पक्ष भी सामने आया है। एक्टर के वकील का कहना है कि केतन कक्कड़ ने सलमान खान के फार्म हाउस के बगल में ही जमीन लेने की कोशिश की थी। जमीन के लेन देन को बार बार रद्द किया जाता रहा क्योंकि यह अवैध था। इस मामले के बाद से ही केतन कक्कड़ ने सलमान खान और उनके परिवार के खिलाफ झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ केतन कक्कड़ के वकील का दावा है कि बीते 7-8 साल से सलमान और उनका परिवार केतन की जमीन पर अपना हक जमाए हुए है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में आपसी मतभेद की खबरें सामने आ रही है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के प्रति NCP के नरम रुख को लेकर उद्धव ठाकरे चिंतित है और उन्होंने इस मामले में शरद पवार से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि भाजपा जांच एजेंसियों के जरिए गठबंधन के नेताओं को निशाना बना रही है। शिवसेना के सूत्रों के मुताबिक कई ऐसे मौके गिनाए गए जब NCP को भाजपा पर हमलावर होना चाहिए था, लेकिन वह बैकफुट पर आ गई। मुंबई पुलिस ने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को फोन टैपिंग मामले में साइबर विंग KBC ऑफिस में हाजिर होने को कहा था। हालांकि मुंबई पुलिस ने 13 मार्च को अपना फैसला बदल दिया। इसके बाद पुलिस ने फडणवीस के घर पर जाकर उनका बयान लिया। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी NCP के नेता के पास है और इसी मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस विभाग आता है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद जब शिवसेना, भाजपा और NCP के बीच जुबानी जंग शुरू हुई, तो इसी बीच उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कह दिया कि यह समय दोनों पक्षों के लिए शांति बनाए रखने का है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनका जिक्र शिवसेना की तरफ से किया गया। पिछले साल स्पीकर से हाथापाई के आरोप में 12 भाजपा विधायकों को निलंबित किया गया था। इस पर भी अजीत पवार ने कहा था कि विधायकों को कुछ घंटों या कुछ दिनों की सजा दी जा सकती है, लेकिन 1 साल के लिए सस्पेंड कर देना उचित नहीं है। नागपुर में आज ED एक वकील के आवास पर छापे मार रही है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम नागपुर के वकील सतीश उके के पार्वती नगर इलाके में स्थित मकान पर सुबह 6 बजे पहुंची। टीम केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों के साथ कड़ी सुरक्षा में पहुंची। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की मुंबई इकाई कुछ जमीनों के लेन देन को लेकर यह कार्रवाई कर रही है। बता दें कि उके ने भाजपा नेताओं, खासकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस के खिलाफ अदालत में कई याचिकाएं दायर की है। एक याचिका में उके ने फडणवीस पर आरोप लगाया था कि चुनावी हलफनामे में उन्होंने आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं किया, इसलिए उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की जाए। उके ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता ने 2014 में उनके खिलाफ 1996 और 1998 में दर्ज 2 आपराधिक मामलों, धोखाधड़ी और जालसाजी को छुपाकर झूठा हलफनामा दायर किया। वकील उके ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में CBI जज BH लोया की संदिग्ध मौत को लेकर भी याचिका लगाई थी। जज लोया सोराबुद्दीन शेख के कथित फर्जी एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे। उनकी 2014 में नागपुर में हृदयाघात से मौत हो गई थी। उके महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता नाना पटोले के भी वकील है। पटोले ने महाराष्ट्र की पूर्व खुफिया प्रमुख व IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ कथित फोन टैपिंग मामले में 500 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दायर किया है। गोरेगांव स्थित वनराय पुलिस ने SBI ATM वेंडिंग सेंटर को लूटने और फिर सबूत मिटाने के लिए मशीन को आग लगाने के आरोप में 3 ATM कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लूट की वारदात को इसी साल 10 फरवरी को अंजाम दिया गया था।
पुलिस ने कहा कि तीनों आरोपी ने पहचान और गिरफ्तारी से बचने के लिए एक शातिर योजना बनाई थी। बताया जा रहा है कि तीनों एटीएम कर्मियों ने प्रधान कार्यालय से बैंक कर्मियों को झांसा देकर पासवर्ड ले लिया, फिर 77 लाख रुपए लूट लिए। इन सभी पर आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत चोरी और आपराधिक साजिश के अलावा अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। 10 फरवरी को जब गोरेगांव के SBI ATM केंद्र में आग लगने की सूचना मिली तो पुलिस और दमकल के अधिकारी आनंद फानन में वहां पहुंचे। आग पर काबू पाने के बाद बैंक अधिकारियों ने ATM वेंडिंग मशीन की जांच की जो जली हुई थी, लेकिन कैश वॉल्ट बंद था। वही जब एक बैंक तकनीशियन मशीन का निरीक्षण करने के लिए मौके पर पहुंचा तो उसने कंपनी के संरक्षक ऋतिक यादव के सामने उसे खोला। जब मशीन खोली गई तो उन्होंने पाया कि वह खाली थी, क्योंकि टेलर मशीन में केवल 500 रुपए के कुछ नोट पाए जाने के साथ ही बड़ी मात्रा में नकदी चोरी हो गई थी। DVR जल गया था, इसलिए कोई फुटेज उपलब्ध नहीं था, लेकिन मशीन में लगे कैसेट अग्निरोधक थे, जिससे यह खुलासा हो गया कि तीन लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लू और चिलचिलाती धूप ने पूरे प्रदेश में लोगों को बेहाल कर दिया है। चंद्रपुर, जहां भारत का सबसे गर्म स्थान बना हुआ है, वही दुनिया में यह तीसरा गर्म शहर है। यहां 44.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जा चुका है, जो 1901 के बाद से मार्च में सबसे अधिक है। वही जलगांव उत्तरी महाराष्ट्र के सबसे गर्म जिलों में से एक रहा है, जहां अधिक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। यहाँ के एक विक्रेता जितेंद्र माली ने 28 मार्च को गर्मी के चलते दम तोड़ दिया। वह तालुका के मंडल गांव में रहता था। 28 मार्च को माली ने सुबह 9 बजे से लगभग 4 घंटे तक सड़क के किनारे खाद्य पदार्थ बेचे। इसके बाद में घर जाकर 1 घंटे तक आराम किया, जिसके बाद अपने खेत में चला गया। शाम 6 बजे घर लौटा तो उसने खुद को अस्वस्थ महसूस किया। घर वाले उसे एक स्थानीय डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने उसे ग्रामीण अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी। एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जलगांव जिला कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में गर्मी के इस वर्तमान मौसम में यह संभवतः इस प्रकार का पहला मामला है। जलगांव के जिला कलेक्टर अभिजीत राउत ने घटना की पुष्टि की है। मौसम विज्ञान विभाग ने 2 अप्रैल तक महाराष्ट्र में 3 क्षेत्रों के अलग अलग स्थानों, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा में हीट वेव की स्थिति का अनुमान लगाया है। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि अविवाहित बेटियां हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत अपने माता पिता से शादी के खर्च का दावा कर सकती है। वहीं राज्यसभा से आज 72 सांसद रिटायर हो गए हैं। इन नेताओं में कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, जयराम रमेश और एके एंटनी जैसे कई दिग्गज नेता शामिल है। तो RSS के वरिष्ठ नेता कल्लाड़ का प्रभाकर भट्ट ने शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्धारित ड्रेस पहनने से इनकार करने वाले छात्रों की आलोचना करते हुए कहा कि अगर वे यहां के नियमों का पालन नहीं कर सकते तो उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। इसी बीच कर्नाटक के शिक्षा मंत्री BC नागेश ने कहा कि किताबों से टीपू सुल्तान को महिमा मंडित करने वाले हिस्से हटाए जाएगा। उधर लोकसभा सांसद चिराग पासवान से उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान को आवंटित बंगले को खाली कर दिया गया है। देश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। अविवाहित बेटियां अब अपने माता पिता से शादी के खर्च पर दावा कर सकती है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि अविवाहित बेटियां हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत अपने माता पिता से शादी के खर्च का दावा कर सकती है। इसके साथ ही दुर्ग फैमिली कोर्ट के एक आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी और न्यायमूर्ति संजय S. अग्रवाल की खंडपीठ ने मामले को वापस भेज दिया है। कोर्ट ने 6 साल इस पुराने मामले में पुनर्विचार कर फैसला लेने का आदेश दिया है। दरअसल भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत रहे भानुराम की बेटी राजेश्वरी ने 2016 में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उस समय हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर फैमिली कोर्ट में आवेदन देने के लिए कहा था। राजेश्वरी ने फैमिली कोर्ट में आवेदन जमा कर कहा था कि कोर्ट उसके पिता को शादी के लिए 25 लाख रुपए देने के लिए निर्देशित करे। पिता को सेवानिवृत्ति के बाद स्टील प्लांट से 55 लाख रुपए मिलने वाले थे। राजेश्वरी की याचिका को फैमिली कोर्ट ने 20 फरवरी 2016 को खारिज कर दिया।
इसके बाद राजेश्वरी ने फिर से हाईकोर्ट का रुख किया और अपनी याचिका में यह दावा किया था कि वह एक अविवाहित बेटी है। हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 के तहत बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी तय की गई है। कानून में दिए गए अधिकारों के तहत बेटी की शादी का उचित खर्च और उसकी शादी के लिए होने वाला खर्च शामिल है। अदालतें भी इससे इनकार नहीं कर सकती। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में आज 72 सांसद रिटायर्ड हो गए। इन नेताओं में कपिल सिब्बल, पी चिदंबरम, जयराम रमेश और एके एंटनी जैसे कई दिग्गज नेता शामिल है। इसके अलावा भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी रिटायर हो गए। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में विदाई भाषण के दौरान कहा कि मेरी कामना है कि आप सभी लोग वापस लौटकर सदन में आए। कई बार अनुभव अकादमिक ज्ञान से भी ज्यादा अहम होता है। हमने संसद में लंबा वक्त साथ गुजारा है। इस सदन ने हमारी जिंदगी में अहम योगदान दिया है, जितना हमने उसके लिए किया है उससे कहीं ज्यादा है। इस सदन के सदस्य के तौर पर सांसदों को देश की चारों दिशाओं का अनुभव हासिल होता है। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं और कांग्रेस पार्टी बहुत कुछ खो रहे हैं। सदन में आनंद शर्मा से विदेश मामलों में मैंने हमेशा सीखा था। एके एंटनी ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन उनकी सलाह हमेशा अहम रही है। एके एंटनी ने बहुत से काम किए, लेकिन कभी उन चीजों के लिए क्रेडिट नहीं लिया। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के रिटायरमेंट पर कहा कि वह आर्थिक मामलों और कानूनी मसलों के बड़े ज्ञाता रहे हैं। राज्यसभा में उन्होंने हमेशा बेहद संजीदगी के साथ अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक शख्स कभी रिटायर नहीं होते, आप मजबूती से रहिए, हम सदैव आपके साथ रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे धर्मनिरपेक्ष देश है और यह शांति और सद्भाव की भूमि है। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्धारित ड्रेस पहनने से इनकार करने वाले छात्रों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वे यहाँ के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। वह मंगल गंगोत्री परिसर में मैंगलोर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर छात्र परिषद का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने सभी को धार्मिक स्वतंत्रता की पेशकश की है और इसने सभी धर्मों के लोगों को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि भारत का एक समृद्ध इतिहास है और मुगल राजा उस इतिहास का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ कुछ आलोचनात्मक टिप्पणी भी की। इस बीच कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने परिषद के उद्घाटन के लिए भट्ट को परिसर में आमंत्रित करने के लिए विश्वविद्यालय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दोनों संगठनों के नेताओं ने कहा कि भट्ट को भड़काऊ भाषण देने के लिए जाना जाता है। सफाई देते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर यदापदित्य ने कहा कि यह पीजी छात्र परिषद थी जिसने भट्ट को आमंत्रित करने का फैसला किया था और विश्वविद्यालय छात्रों के फैसले का विरोध नहीं कर सकता था। अब टीपू सुल्तान पर फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि किताबों से टीपू सुल्तान को महिमा मंडित करने वाला हिस्सा हटाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिलेबस से टीपू सुल्तान के टॉपिक को नहीं हटाया जाएगा, केवल वह हिस्सा हटाया जाएगा जिसमें काल्पनिक बातें लिखी गई है। उनका यह बयान तब आया है जबकि एक दिन पहले ही टेक्स्ट बुक रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट में पाठ्यक्रम में बदलाव और खासकर टीपू सुल्तान के विषय में बदलाव को लेकर बात कही गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन बातों का ऐतिहासिक प्रमाण है उन्हीं बातों को बच्चों को बताया जाए। हम चाहते हैं कि बच्चे असली इतिहास को जानें। अगर इस बात के सबूत मिलते हैं कि टीपू सुल्तान मैसूर के शेर थे तो उनका टाइटल बचा रहेगा। बता दें कि टीपू सुल्तान को लेकर विवाद यह है कि एक गुट कहता है कि टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया। दूसरी तरफ दक्षिणपंथी संगठनों का कहना है कि वह सांप्रदायिक शासक था और उसने बहुत सारे हिंदुओं की हत्या करवा दी। देखा जाए तो टीपू सुल्तान को लेकर यह कोई नई बहस नहीं है। भाजपा और दक्षिणपंथी संगठनों को टीपू सुल्तान के महिमा मंडन पर आपत्ति रहती है। टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के मामले में भी कांग्रेस और भाजपा में टकराव देखा जा चुका है। टीपू सुल्तान को कोई देशभक्त बताता है तो कोई सांप्रदायिक शासक बताता है। लोकसभा सांसद चिराग पासवान ने उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान को आवंटित बंगले को खाली कर लिया गया है। इससे पहले उन्हें पिछले साल जारी किए गए निष्कासन आदेश को अमल में लाने के लिए सरकारी टीम यहां भेजी गई थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले संपदा निदेशालय की टीम वहां पर पहुंची, जिसके तुरंत बाद लुटियंस दिल्ली में जनपद स्थित बंगले से फर्नीचर और घरेलू सामान ले जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। लोक जनशक्ति पार्टी के आधिकारिक पते 12 जनपद बंगले से सामान लदे दो ट्रक बाहर निकले जबकि 3 और बंगले के सामने खड़े थे।
अधिकारियों ने कहा कि बंगला केंद्रीय मंत्रियों के लिए रखा गया है और सरकारी आवास में रहने वालों को इसे खाली करने के लिए कहा गया है। इस बंगले का उपयोग पार्टी की संगठनात्मक बैठकों और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन के लिए नियमित रूप से किया जाता था। देश के प्रमुख दलित नेताओं में से एक रामविलास पासवान का अक्टूबर 2020 में 74 साल की उम्र में निधन हो गया था। वह केंद्र की कई सरकारों में 1989 से मंत्री रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच मतभेदों के चलते लोजपा दो धड़ों में विभाजित हो गई। दोनों लोजपा के नेतृत्व के लिए अड़े हुए हैं। अकेले चिराग पासवान ही अब लोजपा का हिस्सा है। इसके अलावा पिता के निधन के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में भी उन्हें करारा झटका लगा था। इस चुनाव में वह भाजपा से अलग होकर लड़े थे और एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाए थे। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। यूक्रेन में जारी भीषण जंग के बीच ब्रिटेन की खुफिया प्रमुख ने कहा है कि रूस की सेना में भगदड़ मची हुई है और सैनिक अपने हथियारों को छोड़कर सैन्य कमांडरों का आदेश नहीं मान रहे हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने जॉर्जिया व मोरक्को से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने सियासी पिच पर अविश्वास प्रस्ताव को जीतने की बड़ी चुनौती है, दांव पेच जारी है। इसी बीच रूस के दो महाविनाशक फाइटर जेट स्वीडन के हवाई क्षेत्र में घुस गए हैं। ये रूसी विमान सुखोई 27 और सुखोई 24 परमाणु से लैस थे। उधर कोलंबिया में एक कमर्शियल फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग के चलते यहां के 21,000 से अधिक यात्री प्रभावित हुए हैं। दुनिया भर की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। यूक्रेन में चल रही भीषण जंग के बीच ब्रिटेन के खुफिया प्रमुख सर जर्मी फ्लेमिंग ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि रूस की सेना में भगदड़ मची हुई है और सैनिक अपने हथियारों को छोड़कर सैन्य कमांडरों का आदेश नहीं मान रहे हैं। पुतिन की सेना में अफरा तफरी का माहौल है। यही नहीं, रूसी सैनिकों ने हड़बड़ी में अपने ही विमान को मार गिराया है। एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें रूसी सैनिकों की ओर से शिकायत की जा रही थी कि उनकी पुरानी राइफलें काम नहीं कर रही है। सर जर्मी ने कहा कि यूक्रेन की सेना की ओर से रूसी सैनिकों को जोरदार प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के सैनिकों ने रणनीतिक रूप से अहम पूर्वोत्तर के शहर ट्रोस्टनेट्स पर फिर से कब्जा कर लिया है। रूसी सैनिक वहां से भाग रहे हैं और अपनी वर्दी तक छोड़ दे रहे हैं। पुतिन के जनरल इस भारी नुकसान को छिपाने में लगे हुए हैं। ब्रिटिश जासूसों ने कई ऐसे फोन कॉल और मैसेज ट्रैक किए हैं जिसमें विद्रोह का भी जिक्र किया जा रहा है, लेकिन पुतिन अपने लोगों से झूठ बोल रहे हैं ताकि सैन्य अक्षमता को छिपाया जा सके। हमने ऐसे रूसी सैनिकों को देखा है जो कमांडरों के आदेश को नहीं मान रहे हैं और अपने हथियारों को खराब कर रहे हैं और गलती से रूस के विमानों को निशाना बना रहे हैं। दरअसल वे चाहते हैं कि कारण चाहे जो भी बने, बस उन्हें वापस देश लौटने का मौका मिल जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने जॉर्जिया व मोरक्को से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि इन देशों ने यूक्रेन के समर्थन के लिए कुछ नहीं किया और न ही रूस के खिलाफ किसी तरह का फैसला लिया। वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की ने कहा कि यदि वह हथियार नहीं होगा, प्रतिबंध नहीं होंगे, रूसी व्यापारों पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जाएंगी, तब प्लीज कोई और काम देखे। साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में हमारे प्रतिनिधियों के काम से मिलने वाले ठोस नतीजों का इंतजार कर रहा हूँ। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि विदेशी दूतावासों में नियुक्त यूक्रेन की मिलिट्री से भी उन्हें जवाब का इंतजार है। ज़ेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया के संसद को बताया कि यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस पर दबाव बनाने के क्रम में इस पर और अधिक प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। बता दें कि 24 फरवरी को रूस ने पहली बार यूक्रेन पर हमला किया था और तब से यह सिलसिला जारी है। अब एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मॉस्को की ओर से किसी तरह सीज फायर की बात नहीं की जा रही है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच कई राउंड में बातचीत हो चुकी है। दोनों देशों की जीत के कारण अपार धन जन की हानि हो रही है। इसका वैश्विक असर दिखने भी लगा है। ईंधन की कीमतें आसमान छूने लगी है। पाकिस्तान की सियासत का यह रिकॉर्ड रहा है कि कोई पीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। अब इमरान खान के सामने सियासी पिच पर अविश्वास प्रस्ताव को जीतने की चुनौती है। 2018 में पाकिस्तान के पीएम बनने वाले इमरान खान के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है।
जिस पर 3 अप्रैल को मतदान होने वाला है। सदन में जीत हासिल करने के लिए इमरान खान को 172 मतों की जरूरत है, जबकि उनके पास फिलहाल 164 वोट ही दिखते हैं। PMLQ ने उनका साथ छोड़ दिया है, जबकि बलूचिस्तान अवाम पार्टी भी उनसे अलग हो चुकी है। ऐसे में इमरान की सियासी पीच पर पारी आगे बढ़ना मुश्किल ही दिखता है। नया पाकिस्तान के नारे के साथ सत्ता में आने वाले इमरान खान के दौर में महंगाई अपने चरम पर है। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की भी कीमतें तेजी से बढ़ी है, लेकिन इमरान खान इस पर लगाम लगाने में नाकाम रहे हैं। इमरान खान जब सत्ता में आए थे तो कहा जा रहा था कि इसके पीछे सेना का समर्थन है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से उनकी बिगड़ गई है। बीते साल अक्टूबर में दोनों के बीच ISI के नए चीफ की नियुक्ति को लेकर टकराव शुरू हुआ था। इमरान खान चाहते थे कि उनके करीबी फैज हमीद को दोबारा नियुक्ति दी जाए, जबकि बाजवा ने इसके खिलाफ फैसला लिया। कहा जा रहा है कि इमरान खान फैज हमीद को 2023 में आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं। ऐसे में कमर जावेद बाजवा की रणनीति यह है कि इमरान खान को उससे पहले ही सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। यूक्रेन में चल रही जंग के बीच रूस के 2 महाविनाशक फाइटर जेट स्वीडन के हवाई क्षेत्र में घुस गए थे। ये रूसी विमान Sukhoi-27 और Sukhoi-24 परमाणु बम से लैस थे। बताया जा रहा है कि रूस के विमान जानबूझकर डराने के लिए स्वीडन की हवाई सीमा में घुसे थे। रूसी फाइटर जेट 2 मार्च को कालिनग्राड एयरबेस से उड़े थे, जो नाटो देशों से बिल्कुल सटा हुआ है। रूसी विमान स्वीडन के गोटलैंड द्वीप समूह की ओर जा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस उड़ान के दौरान रूसी फाइटर जेट ने यह देखने की कोशिश की कि नाटो सदस्य और स्वीडन तथा फिनलैंड जैसे तटस्थ रहने वाले देश कितनी देर में प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि रूस के घुसपैठ के बीच स्वीडन की एयरफोर्स पूरी तरह से अलर्ट थी और उसने तत्काल जवाब भी दिया। यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए स्वीडन की एयरफोर्स अलर्ट पर है। इस बीच अब खुलासा हुआ है कि घुसपैठ के समय रूसी विमान परमाणु बम से लैस थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये दोनों ही सुखोई विमान घुसपैठ के समय परमाणु हथियार लेकर चल रहे थे। सैन्य विश्लेषक स्टीफन रिंग ने कहा कि यह उकसावे की कार्रवाई स्वीडन के लिए एक रिमाइंडर है। यह बताता है कि रूस के पास परमाणु बम है और वह इसके इस्तेमाल से नहीं डरता है। बता दें कि स्वीडन नाटो का सदस्य देश नहीं है, लेकिन स्वीडन की सेना कई बार नाटो देशों की सेना के साथ सैन्य मिशन में हिस्सा ले चुकी है। इस खुलासे के बाद फिर से यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के परमाणु कार्रवाई का डर बढ़ गया है। कोलंबिया में एक कॉमर्शियल फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग के चलते यहां के 21,000 से अधिक यात्री प्रभावित हुए। खबरों के मुताबिक मेडेलिन शहर के पास एक प्रमुख हवाई अड्डे पर एक कॉमर्शियल फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग के कारण 136 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। कोलंबिया के नागरिक उड्डयन निदेशक ने बताया कि एयरबेस A320-200 का फ्रंट लैंडिंग गियर टेक ऑफ के तुरंत बाद गिर गया था। इससे विमान को रियनेग्रो शहर के जोस मारिया कॉड्रोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग के लिए वापस लौटाना पड़ा। हालांकि अब हवाई अड्डा पर कामकाज सामान्य हो चुका है और उड़ानों का संचालन शुरू हो चुका है। अधिकारियों ने बताया कि 136 उड़ानें और इस घटना से प्रभावित 21,245 यात्रियों को दिक्कत नहीं हो, इसके लिए बंदोबस्त किए जा रहे हैं। इमरजेंसी लैंडिंग के पीछे क्या वजह रही, इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि विमान में फ्रंट और रियर लैंडिंग गियर एयरक्राफ्ट को लैंड कराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। टेक ऑफ के बाद इन गियर्स को अंदर कर दिया जाता है, जबकि लैंडिंग के दौरान पायलट इन्हें फिर से खोल लेते हैं। फ्रंट लैंडिंग गियर यानी एयरक्राफ्ट का अगला पहिया किसी स्थिति में गिर जाए तो बैली लैंडिंग करानी पड़ती है। इसमें विमान बिना अगले पहियों के लैंड कराना होता है, लेकिन यदि आगे का लैंडिंग गियर नहीं है या काम नहीं कर रहा तो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में उड़ रहे विमान की बैली लैंडिंग खतरनाक हो सकती है। लेकिन इमरजेंसी में यही विकल्प बचता है, इस तरह लैंडिंग में विमान में आग लगने का भी डर रहता है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।